तो दोस्तों विंडोज़ 11 अभी तक ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उसका जो विंडोज़ 11 प्रीव्यू है वो काफ़ी सारे लोगों को अवेलेबल है। तो बात आती है कि किन लोगों को अवेलेबल है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको विंडोज़ 11 का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप विंडोज़ 10 को ही अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज़ 11 में, तो जो कि फ्री वर्जन है। लेकिन वो टोटली हम ये नहीं कह सकते कि विंडोज़ 11 ही है, वो एक तरह का प्रीव्यू है। विंडोज़ 11 बाद में आएगी, जब सभी के लिए आएगी तब हम विंडोज़ 11 टोटली अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विंडोज़ 11 का जो प्रीव्यू है उसे कैसे डाउनलोड करें, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं कि विंडोज़ 11 प्रीव्यू को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विंडोज़ 11 के कौन से नए नए फीचर्स हैं, मुझे क्यों डाउनलोड करनी चाहिए विंडोज़ 11, आप जानना चाहते हैं कि कौन से नए फीचर्स हैं जिसकी वजह से मुझे विंडोज़ 11 डाउनलोड करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो मैंने पहले विंडोज़ 11 के ऊपर वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने विंडोज़ 11 जो इवेंट था, माइक्रोसॉफ्ट इवेंट, उसके वीडियो के कट्स डाले थे। लेकिन आज हमारे एक लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 हमने डाउनलोड कर ली है और आपको आज हम लाइव डेमो दिखाएंगे कि विंडोज़ 11 कैसी है और उसके अंदर कौन से नए फीचर्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों ये है हमारी विंडोज़ 11 की फर्स्ट लुक, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जो वॉलपेपर है वो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर हम वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको वॉलपेपर्स ही दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो विंडोज़ 10 की तरह ये नहीं आता है, इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। लेकिन अगर नीचे हम शो मोर ऑप्शंस को क्लिक करते हैं तो विंडोज़ 10 की तरह ही ये हमारा आ जाता है। तो अगर हम जाएँ पर्सनलाइज पर तो सेटिंग्स का आइकन भी अब चेंज कर दिए गए हैं। धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंज किया गया है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं कि कौन कौन से वॉलपेपर आप लगाना चाहते हो। तो अगर हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं तो ये डार्क थीम है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये डार्क थीम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो ये देखिए, ये भी उसी तरह का सेम है लेकिन कुछ डार्क थीम के अंदर है। अगर हम कोई और सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर वॉलपेपर से आगे बढ़े तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, तो जब भी कोई एप्लीकेशन खुलती है या कुछ भी खुलता है तो उसके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स वो राउंडेड हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और फीचर्स इसके देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक पूरी टोटल विंडोज़ 11 नहीं है, ये एक विंडोज़ 11 का प्रीव्यू है। जब आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करते हो तो वो विंडोज़ अपडेट के अंदर जो इसका नेम आता है वहाँ पर भी लिखा होता है कि विंडोज़ 11 प्रीव्यू। तो ये अभी तक पूरी विंडोज़ 11 नहीं है, ये अभी सिर्फ प्रीव्यू है। हम डेवलपर्स को चेक करने के लिए ये लॉन्च की गई है कि विंडोज़ 11 कैसे काम करती है। अभी इसके अंदर कुछ फीचर्स कम हैं जो विंडोज़ 11 में आएंगे, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कौन से फ़ीचर अभी प्रीव्यू के अंदर नहीं है और कौन से फीचर्स विंडोज़ 11 के अंदर आएंगे। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को, तो अगर इसके कॉर्नर में हम देखें तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर प्रीव्यू, यानी कि ये प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं है। और विंडोज़ 11 जो इवेंट, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो अमेज़ॉन का ऐप स्टोर है वो भी अब मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी इस प्रीव्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि इसका ये मतलब है कि प्रीव्यू के अंदर अभी ये फीचर नहीं है, लेकिन जब विंडोज़ 11 पूरी तरह आ जाएगी तो तब उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सारे एंड्रॉयड ऐप्स। तो अब बात करते हैं नीचे टास्क बार की। तो टास्क बार के अंदर हमें जितने भी स्टार्ट बटन हैं और जितने भी पिंड ऐप्स होते हैं वो अब सेंटर में आ चुके हैं, जो कि मैक ओएस की तरह देखने को लगते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है और सेंटर में रहता है तो सब कुछ कंसनट्रेटेड रहता है, तो देखने में अच्छा लगता है। अगर बात करें राइट साइड की, तो इसके अंदर सिर्फ आइकन्स चेंज किए गए हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। और अगर बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई और जो साउंड है और जो बैटरी है इन तीनों को मर्ज कर दिए गए, इन तीनों का एक ही बटन है। तो यहाँ पर कैलेंडर और नोटिफिकेशन सेंटर को मर्ज कर दिए गए, यानी कि अब हम कैलेंडर भी साथ में देख सकते हैं और नोटिफिकेशन जितने भी हैं वो देख सकते हैं। इसके अंदर अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये एक विजिट की तरह आते हैं और काफ़ी इनकी एनिमेशन हैं वो स्मूथ हैं। और अगर हम बात करें इस स्टार्ट बटन की, तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी स्मूथली आता है और इसकी जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो विजिट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे विजिट्स आते हैं और आप देख सकते हैं वेदर है और टॉप स्टोरीज हैं, इनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ भी आती है और काफ़ी चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी एक बढ़िया है। तो पहले हम दोबारा से जो थीम है उसे लाइट कर देते हैं ताकि आप सभी चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो अगर बात करते हैं हम दिस पीसी की, यानी कि जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसके अंदर अब ये जो
आइकन्स हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्विक एसेस की, तो इसके अंदर अगर हम लिस्ट के अंदर व्यू करते हैं, यानी कि ये जो व्यू का ऑप्शन है, अगर हम इसे लिस्ट या फिर टाइल्स में अगर व्यू करते हैं, तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है, जो दो लाइंस हैं उन दोनों के अंदर स्पेसिंग है, वो बढ़ा दी गई है। और अगर बात करें इन फाइल्स की, तो फाइल्स अब कलरफुल देखने को मिलती हैं हमें। और अगर हम बात करें फाइल्स की, तो फाइल्स के जो आइकन है वो भी अब इन्होंने बदल दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्यू के ऑप्शन की, तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन्स, और अगर हम मीडियम आइकन्स पे करते हैं तो ये भी विंडोज़ 10 की तरह ही है। अगर स्मॉल आइकन्स करते हैं तो पूरे आ जाते हैं। अगर लिस्ट करते हैं तो लिस्ट के अंदर भी मैंने कहा था कि स्पेसिंग है, वो अब बढ़ा दी गई है। इसके बाद अगर टाइल्स की बात करें, तो टाइल्स भी वैसी हैं विंडोज़ 10 की तरह। अगर कंटेंट की बात करते हैं, और कंटेंट भी सेम ही है विंडोज़ 10 की तरह। तो सेटिंग्स का जो आइकन है वो भी अब चेंज कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और जब आप देखोगे सेटिंग्स को, तो सेटिंग्स टोटली चेंज कर दी गई है। तो जब आप देखोगे सेटिंग्स को, तो सेटिंग्स अब टोटली चेंज कर दी गई हैं, मतलब पूरा ही थीम अब इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले आइकन्स के अंदर आता था, अब लिस्ट के अंदर आता है सब कुछ। तो अगर हम टास्क बार की सेटिंग्स के अंदर आते हैं, तो टास्क बार बिहेवियर के अंदर, टास्क बार अलाइनमेंट जो ऑप्शन है, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं लेफ्ट के अंदर। अगर आपको विंडोज़ 10 की तरह ही चाहिए, तो आप जो स्टार्ट बटन है वो लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लेआउट्स की। तो अब मान लो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, और साथ ही में हमने क्रोम खोला है। तो अगर हमने मल्टीटास्किंग करनी है, अब दो ऐप्स हमने खोले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन होता है, इस पर हम होवर करेंगे, यानी कि क्लिक नहीं करना है, हम इसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं, प्रीसेट्स आ चुके हैं, हम कैसे अपनी विंडोज़ को खोलना चाहते हैं। तो अगर हम ये राइट क्लिक करते हैं इस पर, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए अपने आप साइड में खुल चुका है। और अगर इसे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी हम सेम ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर खोल लेते हैं, तो ये अपने आप अलाइन हो चुके हैं, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे ऐसे छोटा करना चाहते हैं, तो और छोटा कर सकते हैं। और अगर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसे भी हम छोटा कर सकते हैं। और ये जो OBS है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये अपने भी आ चुका है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब देख लो कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे चल रहा है हमारा गूगल। तो लेआउट्स की मैं आपको एक और बात बताना भूल गया था, कि जब हम लेआउट्स के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन सेट कर देते हो, तो जब उसे आप बंद करके दोबारा खोलते हो, तो उसी लेआउट में वो खुलता है। तो विंडोज़ 11 ये याद रखती है कि किस लेआउट में आपने खोला था और किस लेआउट में आपने बंद किया था। तो ये सब आपको बार बार दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने सेट कर दिया तो उसी लेआउट में आपका जो ऐप है वो खुलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नए नए फीचर्स आपको देख के अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये फीचर्स आपके काफ़ी काम आएंगे, और इसके अंदर जो मल्टीटास्किंग है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि आप इस फीचर्स से इम्प्रेस होकर विंडोज़ 11 अपडेट करोगे या फिर नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे, और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।